हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ। तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए फिजिक्स में एक नया यूनिट की आज हम शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, शुरुआत से ही तुम लोग अच्छे से मेहनत करते हुए आगे बढ़ोगे। कोशिश हमारी अच्छे से अच्छे थ्योरी प्रोवाइड करनी, एनसीईआरटी एक का जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करनी, साथ में प्रीवियस ईयर के कुछ आईआईटी जेईई मेंस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करने की होगी। तो शुरुआत से अच्छे से हम भी मेहनत करें, तुम भी मेहनत करोगे। क्लियर। चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये यूनिट का नाम है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से है या फिर चार्ज से होता है, इलेक्ट्रॉन और कह लो कि चार्ज से है, और स्टैटिक का मतलब रेस्ट से होता है। मतलब स्पष्ट है जी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के रेस्ट के कारण जो फिनोमेनन देखने को मिलता होगा उन्हीं को स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स, या इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, इन्हीं चीज़ को स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है। तो यानी आज हम उन बिहेवियर को स्टडी करेंगे जो चार्ज के रेस्ट के कारण देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, इन्हीं चीज़ को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे। यानी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड कैपेसिटर। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे समझते चलेंगे फील्ड क्या है, पोटेंशियल क्या है, कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर ड्यू टू रेस्ट चार्ज, इस पे ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। रेस्ट चार्ज के बिहेवियर को स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स चार्ज आपका रेस्ट है, उन्हीं फेनोमेनन को हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। क्लियर, ठीक है। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है, बेसिक चीज आज इस चैप्टर में बेसिक चीज सीखने वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि पूरा इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे मेरा फर्स्ट चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ। सेकंड चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी कराएंगे। थर्ड चैप्टर में गॉसेस लॉ को स्टडी कराएंगे और चौथे चैप्टर में कैपेसिटर को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज मेरा हेडिंग क्या होगा, चैप्टर का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये फर्स्ट चैप्टर मेरा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ। ये फर्स्ट चैप्टर मेरा स्टार्ट यहीं से होगा। सेकेंड चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को देखेंगे। थर्ड चैप्टर में हम लोग गॉस लॉ को देखेंगे। फोर्थ चैप्टर में हम लोग कैपेसिटर को स्टडी करने वाले हैं। क्लियर, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक बुक हम लोग खोलते हैं, सबसे पहले प्रश्न ही उठता है, चार्ज है क्या, चार्ज ये है क्या। तो कहते हैं कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज
सिंपल चार्ज भी कह रहे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज से ही होता है जी। तो हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंजिक प्रॉपर्टीज, इंट्रिंजिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए पार्टिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल, विच इज रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। बहुत स्पष्ट है, इंट्रिंजिक प्रॉपर्टीज है, साथ में हम कह रहे हैं कि किसी पार्टिकल का एक वह प्रॉपर्टीज है जिसके कारण जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच, डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच जो है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए टर्म जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें हम देखेंगे, चार्ज का प्रोडक्शन कैसे होता है उसको तो हम लोग देखेंगे, लेकिन 9th-10th क्लास में इतना हम लोग जरूर सीखे हुए होते हैं क्या कि चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है? और लाइक चार्जेस के बीच, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, या उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं। लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच जो है रिपल्सिव फोर्स लगने हैं। और अनलाइक चार्ज के बीच, मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो उसके बीच क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये तो पता होगा। चलिए तो क्या बोलते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, रिपेल्स टू ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये तो 9th-10th क्लास में भी हम लोग इस चीज को हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, वो कितने न्यूटन के फोर्स अट्रैक्ट करेगा, कितने न्यूटन के फोर्स रिपेल करेगा, वो सब आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल जैसा हम कह रहे हैं कि इस चैप्टर में लोग बिल्कुल बेसिक बात को ही सीखने वाले हैं जी। चार्ज का प्रोडक्शन कैसे होगा अभी बात करते हैं, कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, ये सब कुछ हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन जो बेसिक जो समरी कार्ड है उसे मैं आपको दिखा दूँ। चार्ज इज, मैं आपको बताऊँ कि ये डिराइव्ड यूनिट होता है, डिराइव्ड यूनिट है, या डिराइव्ड क्वांटिटी कह सकते हैं, यूनिट और क्वांटिटी। अगर तुमको याद आ रहा हो 11th क्लास जिसमें हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट मेजरमेंट वगैरह को स्टडी कर रहे थे, तो 7 प्रकार के जो है फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। ठीक है? तो उन 7 क्वांटिटी को छोड़कर बाकी जो बच जाते हैं वो हमारे डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि चार्ज जो है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है, जिसका SI यूनिट कितना होता है, चार्ज का SI यूनिट कूलॉम्ब होता है जी। कूलॉम्ब रिप्रेजेंट करते हैं सी से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर CGS यूनिट की अगर हम बात करें, CGS यूनिट होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है? हालांकि चार्ज का जो यूनिट है ज़्यादा प्रचलन में जो है आपका कूलॉम्ब का ही यूज होना है, ज़्यादा प्रचलन में कूलॉम्ब का ही यूज है। लेकिन जानकारी होनी तो चाहिए कि चार्ज का सीरीज यूनिट कौन होता है, ESU। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसी चीज को सिंपल स्टैट कूलॉम्ब भी कहते हैं, स्टैट कूलॉम्ब कहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 कूलॉम्ब जो होता है 3×10⁻¹ ESU के बराबर होता है। और अगर हमसे कोई डायमेंशन पूछता है कि जरा बताइए चार्ज को जनरली हम क्यों रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, हम लोग ऐसा पढ़े होते हैं कि I बराबर में होता है Q/T। ठीक है? तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, IT। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो 7 फंडामेंटल जो टर्म्स हैं, जो क्वांटिटी हैं, उन्हीं के टर्म में हमेशा डायमेंशन या यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? तो मैं आपसे कहूँ कि चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, तो I का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन, I करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसका डायमेंशन मैं आपको बताऊं कि A होता है। ठीक है? बहुत जगह
करंट का डायमेंशन आई से भी दिखाया जाता है। अक्सर बुक में इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन ए से आपको मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन आपका आई भी हो सकता है, जबकि टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी। टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, इसका मतलब अगर यहाँ से देखें तो कैपिटल टी, ओके, यानी यहाँ से हो गया ए टी या आई टी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चार्ज का डायमेंशन क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइंड में सेट करने के लिए यार, यानी चार्ज का डायमेंशन यदि हमसे कोई पूछे तो क्या बताएं, आई टी, या जैसा हम कह रहे हैं कि आई के जगह पर कैपिटल ए भी हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये हम चार्ज के बारे में कुछ आपको बेसिक जानकारी हम आपको दे रहे थे, इसको पहले नोट करते हैं, तब इसके बाद हम आपको बताएं कि आखिर चार्ज का प्रोडक्शन होता कैसे है, पहले इसको नोट किया जाए। क्लियर? चार्ज के बारे में बेसिक चीज हम लोग सीख रहे हैं। ये तो आई थिंक सभी बच्चे लोग जो है नाइन टेंथ क्लास में हम लोग इसको पढ़े हुए हैं, केवल थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं इसको, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग बिल्कुल बेसिक बात को ही सीखने वाले हैं, नई चीज अगले चैप्टर में। ठीक है? ओके ओके ओके, ठीक है, आइए अब चार्ज का प्रोडक्शन कुछ तो नाइन टेंथ प्रोडक्शन ऑफ चार्जेज चार्जेज का प्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकता है। तो एक तो उपाय हो सकता है बाय रबिंग और फ्रिक्शन, घर्षण करके चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अब चार्ज का प्रोडक्शन कैसे हुआ, अगर तुम इसके हिस्ट्री को जानना चाहो तो सबसे पहले एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे चार्ल्स ड्यूफे, उन्होंने करा क्या, कुछ ऑब्जर्वेशन देखा। उन्होंने दो ग्लास रॉड लिए और इन दोनों ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से, सिल्क क्लॉथ से इस पर रब्ड किया, ठीक है, दोनों को। और जब दोनों को क्लोज में लाए गए तो यहाँ देखा गया रिपल्सिव फोर्स। तो समझो कुछ एक्सपेरिमेंट, मान लो एक ग्लास रॉड, ठीक है, दो ग्लास रॉड सिल्क के कपड़े से रब्ड किए हुए, ये भी ग्लास रॉड है, तो देखा गया कि इनके बीच रिपल्सिव फोर्स काम कर रहे हैं। और एक बार करा किया गया कि इस बार जो है दो प्लास्टिक रॉड लिए गए, या एम्बर, एक वर्ड यूज कर रहे हैं एम्बर, समझो एम्बर वर्ड यूज कर रहे हैं, एम्बर वर्ड का मतलब रेजिन से होता है, या यू समझो एम्बर है क्या, तो पेड़ पौधे में जैसे गोंद वगैरह कुछ देखते हो, जैसे पेड़ है इसके छिलके अगर निकाल देते हैं तो उस पर कुछ गोंद टाइप का चीज़ जमा हो जाता है, तो एम्बर भी एक प्रकार का गोंद टाइप का ही चीज़ होता है जो ड्राई होने पे बहुत हार्ड हो जाता है जी। उसे कीमती पत्थर के रूप में भी देखते हैं, ज्वेलरी आइटम बनाने में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। तो इस बार हमें दो प्लास्टिक का रॉड लेना है या फिर एम्बर का रॉड लेना है, ठीक है। तो ये दो प्लास्टिक या किसका बना होगा, एम्बर का बना होगा, एम्बर क्या है, एक प्रकार का रेजिन है, ठीक है। और इसको ऊल से, दो प्लास्टिक रॉड या एम्बर का बना हुआ रॉड, इनको ऊल से, ऊन से इस पे रगड़ करनी है, फ्रिक्शन करनी है, रब करनी है। और जब इनको क्लोज लाते अलग अलग, ऊल से इसको भी रगड़ कर दिया, ऊल से इसको भी रब कर दिया, और जब इनको क्लोज लाते हैं तो भी देखा गया ये दोनों जो है एक प्लास्टिक रॉड या एम्बर के बने हुए हैं, तो भी देखा गया यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स ही जो है रियलाइज हो रहा है। लेकिन एक ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्की क्लॉथ, ठीक है, और एक प्लास्टिक रॉड
रब्ड विथ उल, जब इनको क्लोज लाया गया तो हमने देखा कि इनके बीच जो है एट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस फ्रांसीसी साइंटिस्ट ने इस बात को अनुभव किया कि अगर इनके बीच अगर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब है कि इन रॉड के साथ जरूर कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी तो जरूर अटैच हुआ है, और उसी फिजिकल क्वांटिटी को इन्होंने चार्ज कहा। हालांकि मैं आपको बताऊं कि चार्ज एक्वायर्ड ऑन द ग्लास रॉड इन्होंने नाम दिया विट्रस चार्ज। इसको क्या नाम दिया गया? विट्रस चार्ज बोला गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव बाद में नाम दिया गया है। फिर आगे चलकर बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, उन्होंने इसको विट्रस चार्ज न बोल के जो है इसको फिर इन्होंने जो है पॉजिटिव चार्ज बोला, यानी जिसे पॉजिटिव चार्ज, जिसे विट्रस चार्ज चार्ल्स ड्यूफे ने बोला। आगे चलकर अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसे जो है विट्रस चार्ज न बोल के पॉजिटिव चार्ज बोला। और उसी प्रकार चार्ज एक्वायर्ड ऑन द प्लास्टिक रॉड और या एम्बर, ठीक है, उसको इन्होंने रेजिनस चार्ज कहा। रेजिनस चार्ज इन्होंने कहा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि विट्रस एक लैटिन वर्ड है। विट्रस जो है आपका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ग्लास होता है। तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज एक्वायर हुआ उसको उन्होंने विट्रस चार्ज बोला। विट्रस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? ग्लास होता है। उसी प्रकार से इस प्लास्टिक रॉड पे जो चार्ज एक्वायर हुआ उसको रेजिनस चार्ज बोलते हैं। चूंकि एम्बर का बना हुआ था, एम्बर के प्रकार का रेजिन है, इसलिए इस चार्ज को उन्होंने क्या बोला? रेजिनस चार्ज बोला। जिसे आगे चलकर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इससे जो है निगेटिव चार्ज बोला, यानी ये कौन सा चार्ज था यहाँ पर? निगेटिव चार्ज था, निगेटिव चार्ज बोला गया बाद में चलकर। और एक ग्लास रॉड है तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज था, और चूंकि ये प्लास्टिक रॉड है तो ये निगेटिवली चार्ज था। यही कारण है कि इनके बीच अट्रैक्शन काम किया। यहाँ आप समझ लो रिपल्सिव फोर्स यहाँ इसलिए काम किया क्योंकि लाइक चार्जेस थे। तो इस एक्सपेरिमेंट से कहीं ना कहीं इस बात का भी पुष्टि हो रहा है कि लाइक चार्जेस के बीच हमेशा जो है रिपल्सिव फोर्स काम करता है, जबकि अनलाइक चार्ज के बीच जो है आपका अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि लाइक चार्ज के बीच जो है रिपल्सिव फोर्स काम करने हैं, जबकि अनलाइक चार्ज के बीच जो है अट्रैक्टिव फोर्स काम करने हैं। अब जैसा हमने बताया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है आगे चलकर बोला कि नहीं, इसे विट्रस चार्ज न बोला चाहे, इसे जो है पॉजिटिव चार्ज नाम दे दिया, एक नोमेनक्लेचर थी, रेजिनस चार्ज न बोल के इसको जो है निगेटिव चार्ज बोला। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि बाद में भी देखा गया कि ग्लास के भी अलग अलग टाइप, जैसे मान लो कोई ग्राउंड ग्लास है तो उस पर विट्रस चार्ज पाया गया, अगर हाईली पॉलिश्ड एबोनाइट ग्लास रॉड है तो वहाँ पर जो है रेजिनस चार्ज पाया गया। तो हर बार ऐसा नहीं हुआ कि ग्लास रॉड पर हमेशा विट्रस चार्ज ही मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने देखा क्या कि ग्राउंड ग्लास है तो विट्रस चार्ज मिल रहा है, हाईली पॉलिश्ड एबोनाइट ग्लास रॉड है तो उस पर विट्रस चार्ज न होकर रेजिनस चार्ज पाया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस नाम में, इस नोमेनक्लेचर प्रॉब्लम था, इसलिए उस अमेरिकन साइंटिस्ट ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस विट्रस चार्ज को इन्होंने पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज मतलब इसका पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है जी, ठीक है, निगेटिव चार्ज इसका निगेटिव से वाकई में देखा जाए तो कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली पॉजिटिव निगेटिव चार्ज देने के पीछे मकसद क्या था? जैसे बताएं कि दो चार्ज बॉडी है, अगर इसको हम जब कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो देखा ये भी गया है कि चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी को फ्लो कर रहा है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर देखें, इस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, अगर जब दोनों को कांटेक्ट में लाया गया तो हमने देखा कि चार्ज का फ्लो जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी को हो रहा है। आगे चलकर इस बात को हम लोग देखेंगे कि चार्ज का फ्लो जो है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। तो चार्ज का फ्लो होता है, जब चार्ज का फ्लो होता है दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने लगते हैं, मतलब चार्ज का वैल्यू या तो इंक्रीज होता है या तो फिर डिक्रीज होने लगता है। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देने के पीछे मकसद बस वही था, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एल्जेब्रिकल रूल में जिस प्रकार से एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है
उसी प्रकार से यहाँ पर चार्ज का एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। इसलिए इन्होंने जब इस विट्रस चार्ज या फिर रेजिनेस चार्ज का जब नाम देने की बात थी तो इन्होंने एक को बोला पॉजिटिव चार्ज, एक को बोला नेगेटिव चार्ज। क्लियर? मतलब चार्ज एडिशन की टेंडेंसी को दिखाता है, एडिशन के गुण को दिखाता है। अब चूंकि एडिशन के गुण को दिखाना था तो जब नाम ही देना था तो एक को इन्होंने पॉजिटिव बोला, एक को बोला नेगेटिव। जैसे कि एडिशन इजी वे में जिस प्रकार से हम लोग अलजेब्रा में समझते हैं हम लोग कर सकते थे। क्लियर है? तो चार्ज को प्रोड्यूस करना है कई उपाय है। एक तो फ्रिक्शन से आपने देखा, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से भी जो है चार्ज का प्रोडक्शन होता है। ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करें भाई? तो सोचो, एक मान लो हमारे पास कोई कंडक्टिंग रॉड है, एक कोई कंडक्टिंग रॉड, समझ गए, कोई मेटल वगैरह होगा। क्लियर है? अगर मेटल है तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे सरफेस पर, सही बात है। और एक हमने पॉजिटिवली ग्लास रॉड लाया, पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड है। ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड है। सपोज करो कि इस पे चार्ज फॉर एग्जांपल +10 कूलॉम है इस पे, ठीक है। तो जैसे ही एक कंडक्टिंग रॉड के बगल में कोई हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड लाया तो हमने देखा क्या कि फ्री सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन थे पुल होकर एक साइड आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पुल होकर एक साइड आ गए। सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन थे, मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो होगा, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन पुल होकर एक एंड पे आ गए, मतलब यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए ए पोर्शन आपका निगेटिवली चार्ज हो गया और इनके बीच एट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगा। काम तो एट्रैक्टिव फोर्स तो काम करना ही चाहिए, यानी यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए निगेटिव चार्ज हो गया। और चूंकि इधर के भी इलेक्ट्रॉन पुल होकर उधर चले गए हैं तो यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब क्या, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया होगा। चार्ज एक्वायर कैसे होने हमें वो देखनी है जी। तो तुम इसको सिंपल तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो। तो इस प्रकार से जो चार्ज एक्वायर करना जो है, जो इस फिनोमिनन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, या सिंपल इसको हम इंडक्शन भी कहते हैं। सिंपल तरीके से तुम ऐसे भी समझो, इंडक्शन के प्रिंसिपल से एक सब्जी कार्ड बना लो। मान लो कोई 10 कूलॉम इस पर चार्ज था, और जैसे ही इनके बगल में कोई एक अनचार्ज्ड बॉडी आएगा तो जो क्लोज वाला जो सरफेस है, इसके क्लोज वाला जो सरफेस है, फिर सुनो हम क्या बोलते हैं, कोई एक चार्ज्ड बॉडी के बगल में कोई अनचार्ज्ड बॉडी लाया जाए तो इस बॉडी के जो क्लोज वाला जो सरफेस है उस पे उतने ही कूलॉम का बट अपोजिट चार्ज एक्वायर होता है, ठीक, अपोजिट चार्ज एक्वायर होगा, और दूर वाले फेस पे उतने ही कूलॉम का बट अब इसके अपोजिट दूर वाले फेस पर इसके अपोजिट चार्ज एक्वायर होंगे इंडक्शन के कारण। ओवरऑल देखोगे तो अभी भी इस पर टोटल चार्ज कितना है, 0 ही है। समझ में आ रही है? इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज होता है, अगर सपोज करो -10 कूलॉम होता तो क्लोज वाले फेस पे उतने ही कूलॉम का बट अपोजिट चार्ज एक्वायर होता, और दूर वाले फेस पे उतने ही कूलॉम का इसके अपोजिट चार्ज एक्वायर होता इंडक्शन प्रिंसिपल के आधार पे। क्लियर? ये हो गया। तो ये सब बेसिक बोर्ड के एग्जाम में आपको ये सब आने नहीं है कि भाई चार्ज कैसे प्रोड्यूस होंगे, लेकिन हाँ ये पूरा यूनिट चार्ज को लेकर ही है, चार्ज के बिहेवियर को स्टडी करना था। तो हम लोग थोड़ा चाह रहे थे, सोच रहे थे कि भाई चार्ज आया कहाँ से, कैसे, किस किस रूप में चार्ज हम लोग पा सकते, तो उस चीज़ को थोड़ा सा जानना भी चाह रहे थे। खैर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। अब एक टर्म आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। बोर्ड के
एग्जाम के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये हमारा स्टेटमेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है जी? एक्सपेरिमेंटली ये चीज पाया गया है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस ई। क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई मतलब माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता होगा? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। क्लियर, सिंपल चीज पे समझ दो। हम करें कोई एक बॉडी है, इस पर चार्ज कितना है, तो हम कह रहे कि 10 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है इस बॉडी पे चार्ज उतना ही है। हमने कहा कि 11 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इस बॉडी पे चार्ज उतना ही है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, एक अलग मुद्दा हो। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस बॉडी पे चार्ज कितना है, तो 10.5 इलेक्ट्रॉन, 11.5 इलेक्ट्रॉन, 10.5, 10.6, 10.8 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उतना चार्ज इस पे मौजूद है, ऐसा कभी बोल नहीं सकते हैं। जब भी इस पे चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही होगा। समझो, मान लो कि हमारे पास कोई एक ग्लास रॉड है, एक ग्लास रॉड, ग्लास रॉड, बहुत बढ़िया। और मान लो कि यहां पर कोई सिल्की क्लॉथ है, सिल्की क्लॉथ, सिल्क का बना हुआ है, इस पे रब करो, इस पे, इस ग्लास रॉड को सिल्की कपड़े से इसको रब करना है, रगड़ करनी है, फ्रिक्शन करनी है। अब तो तुम समझ रहे हो कि ग्लास रॉड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है, तो जब रब करोगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां को जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलेगा? क्या प्रोटॉन नहीं निकल सकते थे क्या? मान लो कोई भी मैटर है तो मॉलिक्यूल है तो एटम है, एटम में तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, तो मेरा कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल नहीं जी, कि क्योंकि प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस में बॉन्डेड होता है और उस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जो है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है जी। इसलिए कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई ये कहे कि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस को छोड़कर इस सिल्की क्लॉथ को गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता जी। हाँ, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा जा सकता है, इनको ट्रांसफर करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का जरूरत नहीं है। तो आगे चलकर बात होगी कि प्रोटॉन को हमने क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते, तो हम बोले कि ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी की यहाँ पर जरूरत होता है जी, बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। तो आगे हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो इस चीज़ को समझेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप ये जान लो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होने वाले हैं। अब ये हो सकता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से ट्रांसफर होकर सिल्की क्लॉथ को गए, तो इस पर चार्ज कितना होगा, इस ग्लास रॉड पर चार्ज कितना होगा? तो चूंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन खोया है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जा रही है, इसका मतलब है कि इस पर पॉजिटिव ई चार्ज होगा। और इन पर चार्ज कितना होगा, इन पे चार्ज, सिल्की क्लॉथ पे चार्ज कितना होगा? तो हमने बोला यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पर माइनस ई हो गया। अगर मान लो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इस पर चार्ज कितना हो गया, प्लस 2E। इस पर चार्ज कितना होगा, माइनस 2E।
सपोज करो कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन मान लो ट्रांसफर हुए, तो इस पर चार्ज कितना होगा? +3e। इस पर चार्ज कितना होगा? -3e। अगर 4 इलेक्ट्रॉन मान लो ट्रांसफर हुए तो बहुत स्पष्ट है कि इस पर चार्ज होगा +4e, और इस पर चार्ज होगा -4e। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कोई व्यक्ति ये कहे कि 3.5 इलेक्ट्रॉन मतलब 3.5 इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रॉड से सिल्क की क्लॉथ हो गए? कभी ऐसा पॉसिबल होगा क्या? जवाब होगा बिल्कुल नहीं जी। कोई कहे 3.75 इलेक्ट्रॉन जो है सिल्क की क्लॉथ को गए, क्या ऐसा कभी पॉसिबल होगा क्या? बिल्कुल नहीं जी। या तो 3 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या तो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 3.5, 3.5, 4.5, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो बहुत स्पष्ट है कि यहाँ जो नंबर मिलेंगे वो हमेशा इंटीजर में ही मिलेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं होगा। मतलब बहुत स्पष्ट है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता होगा उसके इंटीग्रल फॉर्म में मिलेगा। ठीक, मतलब अगर हम इसको जनरल रिजल्ट की ओर बढ़े तो किसी बॉडी पे चार्ज क्या होना चाहिए, तो हमने बोला +-ne होना चाहिए, +-ne। क्यों? क्या है? चार्ज ऑन बॉडी। ये क्या है? चार्ज ऑन बॉडी। हाँ, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक अलग मैटर है। इन किसको दिखा रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। ई क्या है? तो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन जिसका वैल्यू फिक्स होता है 1.6। वैसे तो निगेटिव चार्ज के रूप में होता है 10^-19 कूलम्ब। समझ में आ रही है बात? तो क्यू बराबर में +-ne। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? हम कह रहे हैं चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी बॉडी पे जब भी चार्ज देखा गया है, किसी बॉडी पे जब भी चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं उसके इंटीग्रल फॉर्म में होते हैं। इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में है, चार्ज पैकेट फॉर्म में है, उस पैकेट को आप तोड़ नहीं सकते। इस पर इलेक्ट्रॉन, इस पर चार्ज कितना होगा? 2 पैकेट, 3 पैकेट। पैकेट मतलब इलेक्ट्रॉन, समझ लो। चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब यही होता है जी। लेकिन तुमको यही बता दें कि जो चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं, चार्ज क्वांटाइज नहीं हो पाता है। अगर मान लो कोई बॉडी है, जब तुम क्वेश्चन बनाने लगोगे तो मिसिस को देखेगा इस पे चार्ज कितना है, तो 96 माइक्रोकूलम। अब तुम मालूम चला कि 96 जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का इंटीग्रल फॉर्म नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊं कि चार्ज क्वांटाइज होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही चार्ज क्वांटाइज होता है, क्योंकि उस केस में आपका चार्ज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो ई के रूप में होता है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करो तो चार्ज का आपका जो है। तो अगला हेडिंग हम लोग का है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वैसे कुछ नाम हेडिंग कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हम लोग 11 क्लास में वर्क पावर एनर्जी को हम लोग लेकर स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। एक्चुअली जब एनर्जी कंजर्व होता है तो चार्ज क्यों कंजर्व क्यों ना हो? चार्ज क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जब यही चार्ज फ्लो होने लगते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप होते हैं। तो अगर एनर्जी हमारा अगर कंजर्व रहता है तो चार्ज भी हमारा कंजर्व होना चाहिए। तो हम लोग क्या देखते थे उस समय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में? हम लोग क्या देखते थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब निकलता है। इसको दो तरीके से देख सकते हो। पहला तरीका ये हो सकता है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है।
या फिर इसको दूसरे स्टेटमेंट के रूप में देनी हो तो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप चार्ज को क्या कर सकते हो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर कर सकते हो जी। जैसे हम यहाँ पर भी वही ग्लास रॉड और सिल्की क्लॉथ वाला एग्जाम्पल हम ले रहे थे, ठीक है। अगर मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन अगर ग्लास रॉड से सिल्की क्लॉथ को जाएंगे तो इस पर चार्ज कितना इक्वायर हो जाएगा, प्लस टू ई, और सिल्की क्लॉथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस टू ई। तो टोटल चार्ज बिफोर रबिंग कितना था, क्योंकि दोनों न्यूट्रल थे तो बिफोर रबिंग टोटल चार्ज जीरो था, आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज कितना हो रहा था, प्लस टू ई माइनस टू ई, जुड़कर पुनः जीरो हो जाएगा। लेकिन ये तब की बात है जब हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या निकलता है कि बाहरी दुनिया से इसका संपर्क कटा कटा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति जाए और धीमे से अपने पॉकेट से एक चार्ज निकाल कर इनको दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। या वहाँ से कोई एक व्यक्ति आ जाए, उधर से दरवाज़ा खोल के एक व्यक्ति आ जाए चार्ज पॉकेट में लेकर बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइसोलेटेड होना चाहिए सिस्टम, कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। तो सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। या फिर तुम जैसा देख रहे हो कि चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ही ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ओवरऑल टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। एक सिचुएशन तुमको हम और यहाँ पर दिखा रहे हैं। मान लो कि एक डब्बा है, ठीक है। डब्बा कहने का मतलब क्या है कि हमने आइसोलेटेड कर दिया है, तीन बॉडी ए बी सी। सपोज करो कि अभी इस पर चार्ज है 6 माइक्रो कूलम, इस पर 4 माइक्रो कूलम, इस पर है -2 माइक्रो कूलम, ठीक है। इनिशियल चार्ज कितना है, 6, 4, -2, कितना हो गया, 8 माइक्रो कूलम हो गया। इसके बाद हमने इस पोर्शन को डब्बा को लेके, तो क्या होगा, सभी बॉल एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, मतलब फ्रिक्शन होगा, रबिंग का प्रोसेस होगा। तो फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब तो समझ गए ना, रबिंग से चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो चार्ज एक बॉडी से निकल के दूसरे को जाएंगे, दूसरे से निकल कर तीसरे को जाएंगे, पहले से निकल कर तीसरे को जाएंगे, मतलब चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपस में। लेकिन टोटल चार्ज आफ्टर कोलिजन, आफ्टर फ्रिक्शन, आफ्टर रबिंग, टोटल चार्ज अभी भी 8 माइक्रो कूलम ही होना चाहिए। तो मान लो जब इस पोर्शन को हमने जब डिस्टर्ब करा तो इनके बीच फ्रिक्शन हुआ, तो उस फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन के बाद अब हमने देखा कि इस पे चार्ज जो पहले 6 माइक्रो कूलम था अब मान लो -4 हो गया। इसका मतलब है कि इन्होंने चार्ज खोया फिर। इस पे 4 माइक्रो कूलम था, इस पर 5 माइक्रो कूलम हो गया। इसका मतलब 1 माइक्रो कूलम चार्ज इन्होंने पाया। और जो इस पे -2 माइक्रो कूलम चार्ज था बॉडी सी पर, इस पे 7 माइक्रो कूलम हो गया। इसका मतलब इन्होंने भी चार्ज पाया। लेकिन टोटल चार्ज बिफोर रबिंग आपका अगर 8 माइक्रो कूलम था तो आफ्टर रबिंग -4 प्लस 5 माइक्रो कूलम प्लस 7 माइक्रो कूलम, ये मिलकर भी 8 माइक्रो कूलम ही होगा। मतलब हम तुमको क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है तो टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि चार्ज हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जब एनर्जी कंजर्व रहते हैं तो फिर चार्ज भला क्यों ना कंजर्व रहे, क्लियर है। अब जब नेक्स्ट एक टर्म चार्ज को देखा, थोड़ा सा चार्ज और मास में डिफरेंस जानना चाहते हैं, चार्ज एंड मास में डिफरेंस जानना चाहते हैं, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। बहुत बढ़िया जी, ठीक है। अच्छा, क्या क्या, पहला चीज कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज ऑलवेज, चार्ज तो क्वांटाइज्ड होता है जी, लेकिन मास में हम कह रहे हैं मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। कोई बॉडी का मास 4 kg भी हो सकता है, 4.2 kg भी हो सकता है, 4.75 kg भी हो सकता है। समझ में आ रही बात ना, मास क्वांटाइज्ड नहीं होंगे। हाँ, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, जबकि मास इज नॉट कंजर्व्ड।
मास इज नॉट कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व रहता है लेकिन मास कंजर्व नहीं रहते हैं। अगर कोई बॉडी कोई मास अगर मोशन करने लगे तो उसके मास में डिफेक्ट हो जाता है, मास में कमी आ जाता है। जब मास में कमी आएगा तो उसकी इक्विवेलेंट जो है एनर्जी जो है रिलीज करेगा वो। समझ में आ रही बात ना? तो हम क्या बोल रहे हैं कि मास और एनर्जी जो है आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को। समझ में आ रही बात ना? तो मास कंजर्व नहीं होते जी, समझ लो। ई बराबर एम सी स्क्वायर ऐसा आपने देखा अगर पढ़े हुए हो तो, मास में अगर डिफेक्ट हुआ तो उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज होने हैं। तो मास कंजर्व रहता है ये कहना गलत होगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और जो सबसे बेसिक चीज़ है कि चार्ज जो है ना मोशन पर डिपेंड करता है। चार्ज ऑन बॉडी नॉट अफेक्टेड बाई इट्स मोशन और स्पिन। अगर कोई चार्ज बॉडी अगर मोशन कर रहा है तो इसके चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। लेकिन अगर कोई मास अगर मोशन कर रहा है तो नियम कहता है कि इसका मास अफेक्ट हो जाता है, मास बढ़ जाता है। इसका वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा मास बढ़ेगा, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इतना कम मास में इंक्रीजमेंट होता है कुछ, इसको हम समझ भी शायद नहीं पाते हैं। लेकिन कथा तो यही कहता है जी कि अगर कोई मास अगर मूव कर रहा है तो इसका मास बढ़ जाता है, और जितना ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा मास में इंक्रीजमेंट उतने ही ज़्यादा होता है। लेकिन हम इस चीज़ को कह रहे हैं कि इंक्रीजमेंट इतनी मामूली होता है कि शायद उस चीज़ को हम रियलाइज़ भी कभी कभी नहीं कर पाते हैं जी। यानी नंबर थर्ड की बात करूँ तो मास ऑफ बॉडी अफेक्टेड बाई इट्स मोशन और स्पीड और स्पीड बाई फॉलोइंग रिलेशन एक फॉर्मूला आ रहा है, जरा देखना है यहाँ पर, 1 - v² / c² ये इंक्रीज्ड मास है। ये कितना बढ़कर हुआ, इंक्रीज्ड मास या टोटल मास ना, अच्छा होगा बल्कि कहें कि टोटल मास। और एम नॉट क्या दिखाता है, रेस्ट मास को दिखाता है। रेस्ट मास कहने का मतलब जब बॉडी रेस्ट में था तो उसका मास कितना था, ठीक है? भी वेलोसिटी ऑफ लाइट और सॉरी वेलोसिटी ऑफ बॉडी, सी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना? भी यहाँ पर किसको दिखा रहा है, वेलोसिटी स्पीड एक ही चीज, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और सी किसको दिखा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट जिसका वैल्यू फिक्स होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सोचो अगर भी बढ़ेगा, बॉडी का वेलोसिटी बढ़ेगा तो ए टर्म बढ़ेगा, ए बढ़ेगा वन में से उतनी ही ज़्यादा घटेगा तो डेनोमिनेटर कम हो जाएगा, और जब डेनोमिनेटर कम हो जाएगा तो एम ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि भी जैसे जैसे बढ़ेगा, किसी मास का वेलोसिटी स्पीड जितना बढ़ेगा मास में इंक्रीजमेंट उतने ज़्यादा होगा। लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज़ को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। अगर मान लो कि एक बाइक, उस बाइक पर एक व्यक्ति मान लो सवार है, टोटल मास मान लो 200 kg हो गया सिस्टम का, ठीक है? वो पर्सन प्लस बाइक का मास 200 kg। अगर मान लो 40 km/h की स्पीड से अगर वो बाइक दौड़ा रहा है तब उसका मास 200+ तो होगा, लेकिन 200+ जो होगा इंक्रीजमेंट मास में होगी लेकिन इतना कम होगा उसकी शायद उस चीज़ को हम रियलाइज भी नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो वेलोसिटी होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से, वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम होगा। समझो इस बात को हम क्या बोल रहे हैं, जो वेलोसिटी ऑफ जो आपका बॉडी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम होगा। आप बाइक का रफ्तार क्या 3×10⁸ मीटर पर सेकंड दे पाओगे क्या? कभी संभव ही नहीं थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि भी जो है ना सी के कंपैरिजन में बहुत लेस होता है जी, इतना लेस कि हम इसको अप्रॉक्सीमेट चाहे तो हम जीरो मान सकते हैं।
तो 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर रूट 1, तब उस केस में m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m नॉट हो जाएगा। इसका मतलब जो रेस्ट में मास होगा, प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमको लगता है कि मास तो वही रह गया, अनअफेक्टेड रह गया, नहीं देखा जाए तो मास तो आपका इफेक्ट हो रहा है, लेकिन हमारा जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होता है। तब उस केस में आपका इंक्रीज्ड मास और रेस्ट मास दोनों आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। लेकिन कथा तो यही कहता है कि किसी बॉडी का मास जो है मोशन और या स्पीड पर डिपेंड करता है, स्पीड बढ़ेगा तो उसका मास भी जो है बढ़ जाता है जी, ठीक है। और अगर डिफरेंस की बात करना चाहते हो, चलो और अगर हम बात करें तो अगर चार्ज देखा जाए तो डेराइव्ड क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी। 7 प्रकार के फंडामेंटल क्वांटिटी होते थे जिसमें मास भी हो रहा था, तो ए मास क्या है आपका, फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल 11th क्लास फंडामेंटल क्वांटिटी तुमको याद आ रहा हो तो याद है, जहां मास जहां चार्ज होगा वहां मास होगा ही होगा। समझो हम क्या बोल रहे हैं कि जहां चार्ज होगा वहां मास होगा ही होगा, लेकिन जहां मास है कोई जरूरी नहीं कि वहां पर चार्ज हो। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो केवल मास है, लेकिन कहीं चार्ज है तो उस पर मास तो होगा ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज का अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है, जहां चार्ज है वहां मास होगा, लेकिन हाँ मास का अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस है, जहां मास है वहां कोई जरूरी नहीं कि चार्ज आपका जो है हो ही हो। तो चार्ज ऑन बॉडी, या यू कहें कि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, सही बात है, मास के साथ एसोसिएट होता है चार्ज, या यू कहें कि चार्ज हैज नॉट सेल्फ एग्जिस्टेंस, ठीक है, लेकिन मास हैज सेल्फ एग्जिस्टेंस। सेल्फ एग्जिस्टेंस कहने का मतलब समझ में आ रही है बात ना, कि जहां मास है वहां चार्ज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये हम लोग जो है चार्ज और मास के बीच के बेसिक डिफरेंस को हम लोग देख रहे थे। तो मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम टोटल 4 चैप्टर बना के आपको पढ़ाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ। दूसरा में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। थर्ड में मेरा क्या होगा, गॉस लॉ। और चौथा मेरा क्या होगा, कैपेसिटर। पहले हमने बोला धीमे धीमे मस्ती करते हुए इंजॉय करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, और NCERT का जितने भी प्रॉब्लम होंगे उसे हम सॉल्व करेंगे, कुछ IIT JEE मेंस के आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में जितना आप लोग पढ़े हुए हैं पहले उसके कुछ सिंपल वाले क्वेश्चन बनाएंगे, तब इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें कूलॉम्ब लॉ को लेकर चलेंगे हम लोग। तो धीमे धीमे बढ़ना है, प्रॉब्लम बनाते हुए बढ़ना है, तुमको घर पर मेहनत भी करना है, हम भी मेहनत करेंगे, तुम भी मेहनत करोगे, जिससे कि इलेक्ट्रोस्टैट एकदम आसान लगने लगे, क्लियर। तो आज यहीं पर छोड़ देते हैं, बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में, बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।